लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और उनका काम यह है कि आपको धंधा करने से रोकना, आपको धंधा नहीं करने देना, क्योंकि आप धंधा करोगे तो कल को पैसे कमा लोगे। आप मर्सिडीज में, वो स्कूटर में, रेड लाइट पे दोनों खड़े हैं, उत्तरी तो दिक्कत है। फिर वो कहते ना कि एक गांव में 100 मकान थे तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था, तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं, सीधा सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप। मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे। अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया, गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन। अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा, उत्तरी, क्या बोला, उत्तरी उत्तरी रोशनी। अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ। अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। दर्द निवारण का दो तरीका है। पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म। या आसान काम है कौन सा, 99 का दिल्ली जाना या एक का बुझाना? यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। द सेम। खुद तो काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, झापड़ खाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं 100 लोगों के झापड़ खाने से बढ़िया एक को मार, फिर ये भी चुप बैठेगा, हम भी चुप, मौज। सेम, लोग नहीं बदल रहे, बार ढूंढ रहे हैं, बार प्रॉब्लम। वो कहते हैं एक आदमी लैंप के नीचे कोई ढूंढ रहा था, तो दोस्त गया, बोले क्या ढूंढ रहा है? बोला यार चाबी खो गई है मेरी, तो यहाँ देख रहा हूँ। तो वो भी ढूंढने लग गया, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो दोनों चाबी ढूंढने लगे, एक घंटा हो गया, मिली नहीं यार। बोले क्या है? बोले कहाँ गिरी थी? बोले यार वो घर में गिरी थी। बोले साला घर में गिरी थी तो यहाँ के ढूंढ रहा है? बोले घर में लाइट नहीं थी साहब, यहाँ पे लाइट है, गिरी कहाँ थी? तो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की जो गुमी हुई चाबी है वो बाहर ढूंढ रहे हैं। चाबी आपके अंदर है साहब, बाहर ढूंढने का साला कोई जरूरत ही नहीं है, वो अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आराम से।